नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं और इसके लिए वो एक दिन पहले ही वाराणसी पहुंच जाएंगे, जहां उनका भव्य रोड शो होने वाला है। और इसके बाद 14 मई को पीएम मोदी सुबह अस्थि घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे और काल भैरव मंदिर में पूजा भी करेंगे। मंगलवार को नॉमिनेशन से पहले पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे और इसके बाद पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काशी में पीएम मोदी के रोड शो और चुनावी कार्यक्रम का रोड मैप तैयार हो चुका है, इसी पर आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के भक्कड़पन में ये एक बार फिर वाराणसी के रण में पीएम मोदी। पीएम मोदी के नामांकन की भव्य तैयारी। काशी में हैट्रिक लगाने की प्रचंड तैयारी। वो भव्य नजारा महादेव की नगरी में एक बार फिर नजर आएगा। पीएम मोदी का रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान होगी महादेव की नगरी। 13 मई को कुछ ऐसा ही नजारा काशी में दिखने वाला है, जब पीएम मोदी नामांकन की पूर्व संध्या पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कों पर रोड शो करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के रोड शो में बनारसी अंदाज दिखेगा, भव्य भारत की झलक दिखेगी। यानी हर बार की तरह इस बार भी काशी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की जबरदस्त तैयारी है। वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, उसे जान लीजिए। नामांकन से पहले 13 मई को शाम 5 बजे पीएम का रोड शो होगा, फिर 14 मई को सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा के बाद 11:15 पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11:40 पर पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद 12:15 वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इससे पहले वो साल 2014 और 2019 में यहां से प्रचंड जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछले दो चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी जब जब वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, उन्हें प्रचंड जीत मिली है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 56.37% वोट के साथ 3,71,784 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। फिर 2019 के चुनाव में 63.6% वोट के साथ उनकी जीत का अंतर 4,79,505 वोट हो गया था। मोदी जब जब काशी आए, उन्हें काशी से मान सम्मान और दुलार बेशुमार मिला और इसी का नतीजा रहा कि मोदी जब भी बनारस जाते हैं, उनकी बातों में माँ गंगा और काशीवासियों के प्रति सम्मान और प्यार झलकता है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया।
गुजरात छोड़कर जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लड़ने आए, तभी से उन्हें काशी ने अपना लिया था। पहली बार 2014 में उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। दूसरी बार 2019 में उनके सामने अजय राय थे, जिन्हें बड़ी हार मिली। और इस बार उनके मुकाबले फिर से कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल लारी हैं। पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी में बीजेपी ने तैयारी भव्य कर रखी है। इस बार भी बीजेपी और उसके कार्यकर्ता पीएम मोदी की प्रचंड जीत की उम्मीद कर रहे हैं। और वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आपको सुनाते हैं अजय राय ने पीएम मोदी के रोड शो पर क्या कहा। मैं बनारस काशीवासी हूँ, बनारस में बैठा नहीं हूँ, मेरा घर है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, सारे वादे जस के तस रखे। इस नाते पूरे की पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। देखिए, अमित शाह तो खास तौर से इसलिए बोलेंगे कि भाई अमित शाह और मोदी में कोई अंतर नहीं है। अभी तो मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हटने वाले हैं आगे 27 में, इनको शायद 25 या 27 में शायद ऐसे कुछ बोला, एक साल बाद ना कुछ ऐसा बोला है कि शायद अमित शाह बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, 29 में भी रहेंगे, 29 के बाद भी बनेंगे। अरे भाई, 75 साल आपने तय किया, तो जो 75 साल मोदी जी ने तय किया, तो 75 साल के बाद ये बनेंगे, बाकी लोगों का क्या हुआ? और अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को अमित शाह ने रायबरेली में घेर लिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 400 पार का नारा तभी सफल होगा जब अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी राहुल गांधी की करारी हार होगी। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये शाहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? मोदी जी ने विकास की बहार चलाई है, मगर ये परिवार यहाँ एक बाड़ लगा कर बैठा है। ये बाड़ा एक बार तोड़ दो, रायबरेली जनपद को हम उत्तर प्रदेश में नंबर वन जनपद बनाएंगे, नंबर वन। विरोधियों पर अमित शाह का जोरदार वार। रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार। लोकसभा के समर की सबसे बड़ी तकरार। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के रण की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेर लिया। मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं, अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। इस दौरान अमित शाह ने रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा।
और राहुल गांधी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने जनसभा के दौरान कांग्रेस के झूठे वादे और पाकिस्तान प्रेम का भी मुद्दा उठाया। यहाँ से राहुल बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे बताओ, आपको दिनेश प्रताप और राहुल बाबा का भविष्य तय करना है। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल बाबा ने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना? वो आएंगे तो पूछेंगे क्या कि क्यों नहीं गए भाई? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं जवाब, वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, राहुल 370 हटने का समर्थन करते हैं या नहीं? क्या राहुल मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं? क्या 3 तलाक कानून खत्म करना चाहते हैं? आखिर राम मंदिर क्यों नहीं गए राहुल गांधी? यूसीसी होना चाहिए या नहीं? चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं, तो वहीं पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। यानी राजनीति के इस महासमर में सियासी हमलों की रफ्तार अब और तेज होने वाली है, जिसकी तस्वीर आज रायबरेली में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली के दौरे पर थे। रायबरेली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मनोज पांडे के घर पर तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात चली। अमित शाह के साथ रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश सिंह भी मौजूद थे। दरअसल मनोज पांडे एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चर्चा में आए थे। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे, जो प्रवक्ता भी थे और एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के बाद इनकी बात बिगड़ी और फिर ये बीजेपी में शामिल हुए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पहुंचे, तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात चली है। रायबरेली के दौरे के दौरान ये मुलाकात हुई। रायबरेली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे। आधे घंटे तक वहां बातचीत चली है। मुलाकात की तस्वीर देखिए, भारत के ऐतिहासिक गृह मंत्री हैं और जिन्होंने भारत को ना केवल एक नई दिशा दिया, बल्कि भारत में वो तमाम चीजें जो आज 50 वर्ष तक भारत जहाँ सीमाओं पर लड़ रहा था, वहीं अपनी आंतरिक सुरक्षा से लड़ रहा था, उसे किसी ने निजात दिलाया। भारत में एक अकेले व्यक्ति हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन और नेतृत्व में अगर इसको ठीक करने का काम किया तो भारत के गृह मंत्री जी ने किया। आज वो शिष्टाचार भेंट के लिए आज वो हमारे घर पधारे थे, मैं उनका आभारी हूँ। दिल की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मोहनलालगंज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कई हमले किए। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।